नमस्कार दोस्तों, आज के प्रॉफिट एंड लॉस एनालिसिस की वीडियो में मैं सीएम पोपट आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आज था फिन निफ्टी का एक्सपायरी। वैसे मार्केट एकदम अगर आजकल आप देख रहे हो, इट इज लाइक टेकिंग रोलर कोस्टर राइड। एक दिन ह्यूज गैप अप, नेक्स्ट डे ह्यूज गैप डाउन, प्रोबेबली इसराइल का न्यूज, ह्यूज गैप अप एंड इट इज गोइंग अप। सो मार्केट इज लाइक कंप्लीटली रोलर कोस्टर राइड, राइट? अगर आप मेरे साथ अग्री करते हो प्लीज टाइप अग्री इन द कमेंट बॉक्स। और आज हमें जो प्रॉफिट हुआ है, we are having a profit of 12,224, right? 12,244, that is the profit that we are having today. इस वीडियो में मैं डिकोड करूंगा कि मैंने कहां कहां पे ट्रेड लिया था, किस लॉजिक के साथ ट्रेड लिया था, क्यों ट्रेड लिया था, कहां तक वेट किया था, कहां ऐसे लगा था, सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। सो अगर आप इस वीडियो को देखने के लिए एक्साइटेड है, प्लीज टाइप सुपर डुपर एक्साइटेड एंड मैं अब इस वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। चले, सो पोजीशन आप देख रहे हो 12,240 का पोजीशन है, प्रॉफिट है। नाउ इफ आई गो टू द ऑर्डर्स विंडो, पहला ऑर्डर हमने लगाया था 11:10 को। तो यहाँ पे कुछ बातों को समझो, आज मॉर्निंग में क्या हुआ था, देयर वाज अ ह्यूज गैप अप, उसके बाद ऊपर जा रहा था। आप में से काफी मेरे फ्रेंड्स ऐसे होंगे जो यहाँ पे ट्रैप हो गए। एक तो दो तरह से ट्रैप हुए, एक कल देयर वाज अ ह्यूज फॉल इन द मार्केट, सो काफी लोग उम्मीद में होप में ओवरनाइट पुट बाय करके बैठ गए कि कल भी नीचे ही गिरेगा। अगर आप कल वाला मेरा यूट्यूब पे वीडियो देखोगे जहां मैंने निफ्टी फिन निफ्टी बैंक निफ्टी का एनालिसिस किया था, आप ध्यान से देखना, मैंने बहुत क्लियर वहां में बताया था कि ये न्यूज बेस है, फंडामेंटली ऐसा कोई रीजन नहीं जो मार्केट को नीचे ले जाए, यही वर्ड में मैंने बोला होता, राइट? कल वेनसडे बैंक निफ्टी की एक्सपायरी के दिन ऊपर जाएगा कि नीचे मुझे नहीं पता है, बट मैं आपको ये कहता हूं कि आप सेटअप के हिसाब से ट्रेड करें। आज हमने कोई भी न्यूज को फोकस में रख के बिना सेटअप से ट्रेड किया था एंड वी गॉट अवर प्रॉफिट, राइट? चलिए, सो पहले मैंने 19,600 का निफ्टी का कॉल सेल किया था, मतलब हमने वहां पे 11:10 पे एक बेरिश पोजिशन बनाई थी। सो चलिए अब हम चेक कर लेते हैं कि ऐसा हमने क्या देखा जो हमने वहां पे निफ्टी में एक बेरिश पोजिशन बनाई 11:10 पे, राइट? So, just let me do this chart properly. Oh yeah. So if you can see this chart, 5 minute ka chart mein le leta hu. Yahan pe it was going up, going up, going up, going up. Okay. Ab yahan pe, ye dekho. Ye na mere liye ek important level tha 10,618. Level ki marking maine aapko kal hi sikha di thi. So shayad ye kal ka close ya aisa kuch tha, if I'm not wrong. No, kal ka close to ho nahi sakta, but there was some level that I have marked on that. So, 19,618 मेरे लिए एक इंपॉर्टेंट लेवल था। अब यहां पे देखिए, सब्र देखिए, 10:15 को एक बेरिश हैमर गिर चुकी थी, बट मैंने वहां पे शॉर्ट नहीं किया, क्योंकि यार गैप अप ओपन है, मार्केट ऊपर जा रहा है, 5 मिनट की एक कैंडल पे शॉर्ट कर देना ये ठीक बात नहीं होती है। वेटेड 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 10:50 वापस ग्रीन कैंडल, 10:55 वापस एक उसी लेवल को ब्रेक करते हुए रेड कैंडल। और अगर आप एक चीज गौर से करो तो ये जो हाई था जो पहली बार पड़ा था 19,626, मार्केट उसे क्रॉस नहीं कर रहा था। तो वहां पे मैंने सोचा कि अब थोड़ा वहां पे ना बेरिशनेस आ सकती है। मैं यहां तक का 19,580 तक का कुछ टारगेट प्लान कर रहा था, बट अल्टीमेटली वो स्टॉप लॉस हिट हो गया। सो देन आई वॉज वेटिंग। तो ये था पहला ट्रेड का लॉजिक जहां पे हमारा स्टॉप लॉस टच हो गया। देन दिस ट्रेड, वक्त को देखिए, 11:26 को पहला ऐसा एलिट हुआ था, लॉस हुआ था सिर्फ 1300 रुपए। यू कैन सी दैट, मैं आपको पोजिशन में दिखा देता हूँ, सिर्फ और सिर्फ 1395 रुपए का, और मेरी कैपिटल 14,90,000 है गाइस। तो 14 लाख की कैपिटल के ऊपर 1395 इज नथिंग। क्वांटिटी देखो 650 था, ओके? So there was a very very small loss that I incurred over there. Then our focus was on Fin Nifty. अब दूसरा ट्रेड कब लिया था ये जरा देखना, बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, ये वीडियो को मिस मत करना। 14:23 को 2:23 पे, मतलब 11:26 के बाद 3 घंटे के बाद दूसरा ट्रेड आया। अब मेरा आप सभी से सवाल ये, जब तक मैं फिन निफ्टी का चार्ट लोड करूं तब तक गाइस आप सभी मुझे बताइए, क्या आप में इतना पेशेंस है? Yes or no? Please give in the comment box. Do you have that patience? Do you have that setup? कि जब आपका सेटअप बनेगा तभी आप एंट्री करोगे।
इवन आप देखो, जब मैंने बेरिश ट्रेड में एंट्री लिया था, मैंने एक बेरिश हैमर पे कैंडल नहीं, वेट ट्रेड नहीं लिया था, वेट किया, वेट किया, वेट किया, वेट किया, 25 मिनट तक वेट किया, फिर ट्रेड लिया। क्या आप में पेशेंस है? क्या आपका इस सेटअप बनाने का है? अगर यस है तो यस लिखो, अदरवाइज नो लिखो। और अगर गाइस नो लिख रहे हो तो ये वीडियोस मैं आपके लिए बना रहा हूं ताकि आप सीख सको, राइट? अगर आप लिटरली डेली इस वीडियो को देख के सीख रहे हैं, समझ रहे हैं कि कितना पेशेंस चाहिए, तो एक बार थैंक यू भी कमेंट बॉक्स में लिखना। मैं तब तक आगे आपको ले चलता हूँ फिर निफ्टी के चार्ट के अंदर। देखो 2:23 में अगेन लॉजिक वही था, ये मेरा एक लेवल था 19,800, इसके आसपास कंसोलिडेट कर रहा था, कंसोलिडेट कर रहा था, कंसोलिडेट कर रहा था, ये हाई को ऊपर ब्रेक नहीं कर पा रहा था, तो भी काफी। अब आप यहां से देखो, ये एक्चुअली 130 से ही ना ये कंसोलिडेट होना शुरू कर दिया था। हमने ट्रेड कहां पे लिया? 223 को, मतलब ये वाली जो कैंडल बनी ना यहां पे, ये बड़ी कैंडल पे, यहां पे मैंने ट्रेड लिया। जब मुझे एक बार, दो बार, तीन बार नहीं, चार चार बार कंफर्मेशन मिला कि अब यार इसके ऊपर नहीं जा रहा है, ये ग्रीन कैंडल बनी, वापस से हैमर बन गई, तब मेरे को लगा कि चलो अब ये थोड़ा नीचे प्रॉफिट बुकिंग के लिए जा सकता है। एक्सपायरी थी तो मैंने 19,850 का कॉल सेल किया, जो अल्टीमेटली मुझे अच्छा प्रॉफिट देके गया। तो गाइज ये था हमारा आज का सेटअप, ये थे हमारे ट्रेड के लॉजिक्स। कैसा लगा? दो तीन चीजें मैं आपके साथ यहाँ बात करना चाहता हूँ बिफोर यू लीव द वीडियो। गाइज मेरे को जब लॉस होता है तब मैं लॉस की वीडियो भी शेयर करता हूँ, प्रॉफिट होता है तो प्रॉफिट के लॉजिक्स आपको शेयर करता हूँ। डू यू फील द ऑनेस्टी इन दिस चैनल? अगर आपको ऑनेस्टी फील हो रही है प्लीज टाइप एच ऑनेस्टी, पूरे टाइप कीजिए। चलिए तो इतना मेहनत मैं आपके लिए करता हूँ डेली, आप ऑनेस्टी वर्ड लिखने का मेहनत करें, प्लीज टाइप ऑनेस्टी इन द कमेंट बॉक्स। और अगर आप ऑप्शन के बारे में कुछ सीखना भी चाहते हैं तो आज रात को मैं एक वेबिनार कंडक्ट कर रहा हूँ, उसको ज्वाइन करने का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, जरूर से ज्वाइन करना। मिलता हूँ अगले वीडियो में, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच।